हाय, मैं हूँ ब्लड जीनियस और आपको बताऊंगा ब्लड के बारे में। तो आओ चले। ब्लड इज फ्लूइड मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। एक एडल्ट नॉर्मल इंसान में ब्लड 5 से 6 लीटर तक हो सकता है। ब्लड पीएच 7.4 होता है, मतलब स्लाइटली अल्कलाइन, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। हालांकि सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लड से कहीं ज़्यादा बेसिक है। ब्लड में ब्लड प्लाज्मा और कॉर्पसल्स होते हैं। ये कॉर्पसल्स यानी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है और इस प्रक्रिया को हीमोपोएसिस कहते हैं। क्विक रिविजन ऑफ अब तक हमने जो सीखा फॉर द बेनिफिट ऑफ माई दोस्त ब्लड स्टूपिड। ब्लड में 55% लिक्विड होता है यानी प्लाज्मा, 45% ब्लड कंप्राइजेज ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स और कॉर्पसल्स। ब्लड प्लाज्मा में 90-92% पानी है, बाकी प्रोटीन्स हैं 7-8%, अल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजेन। इसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीटरी वेस्ट जैसी चीज़ें। ये है ब्लड प्लाज्मा का सबसे एबंडेंट प्रोटीन अल्बुमिन। अल्बुमिन ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ब्लड प्लाज्मा में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स भी होते हैं। ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स 3 तरह के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन हार्मोन्स और विटामिन्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, जबकि गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन हेल्प करता है डिफेंस मैकेनिज्म या इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस में। इनसे मिलिए, ये है RBC यानी कि यूरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ये बाइकॉनकेव ओवल ई न्यूक्लिएटेड डिस्क शेप्ड RBC जिनमें हीमोग्लोबिन होता है और ये रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये pH और बफर को मेंटेन करते हैं बॉडी में। अब आप पूछेंगे ये रेड क्यों है। ये रेड है हीमोग्लोबिन के कारण। आइए जानते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन एक टेट्रामेरिक हेट्रोमेरिक मेटालोप्रोटीन है जिसमें बीच में आयरन होता है हीम ग्रुप के अंदर। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है इन फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन मौजूद होता है RBC में इन केस ऑफ मैमल्स या ह्यूमन बीइंग। और ये हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है इन फॉर्म ऑफ कार्बमिनोहीमोग्लोबिन। RBC ना सिर्फ हीमोग्लोबिन के कारण बल्कि RBC में मौजूद कार्बोनिक एनहाइड्रेज के कारण भी बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन 120 डेज तक हो सकता है। रेड ब्लड सेल्स किसी भी नॉर्मल इंसान में 5.2 मिलियन इन केस ऑफ मैन एंड इन केस ऑफ ह्यूमन इट कैन बी 4.7 मिलियन। अगर हम बात करें तो किसी भी RBC या ब्लड में 15 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड सेल्स मौजूद होता है। ब्लड में RBC के अलावा और भी कॉर्पसल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं WBC। इनकी क्वांटिटी ब्लड में काफ़ी कम होती है, लेकिन इनके इम्पोर्टेंस को हम कम करके नहीं आंक सकते। WBC 2 तरह के होते हैं, एक ग्रैन्यूलोसाइट्स मतलब जिनमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते और ग्रैन्यूलोसाइट्स जिनमें ग्रैन्यूल मौजूद होते हैं। एक ग्रैन्यूलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स नहीं होते और ये इंक्लूड करते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स को। ग्रैन्यूलोसाइट्स जिनमें ग्रैन्यूल्स होते हैं और ये इंक्लूड करते हैं ओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स को। अब आप इस डायग्राम को गौर से देखिए। ये ग्रैन्यूलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और ग्रैन्यूलोसाइट्स में आपको मिलेंगे ओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो आप आराम से देख सकते हैं कि न्यूट्रोफिल्स की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद नंबर आता है लिम्फोसाइट्स का और सबसे कम है बेसोफिल्स। सबसे साइज में सबसे बड़ा है मोनोसाइट्स। आप यहाँ देख सकते हैं कि अनलाइक दैट ऑफ RBC इन सब में WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इन सब WBC के अलग अलग काम है, लेकिन बेसिक काम है बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करना। आपने ब्लड कैंसर के बारे में तो सुना होगा। ब्लड कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया मेनली WBC के काउंट के इंक्रीज करने को कहते हैं, एबनॉर्मल इंक्रीज इन WBC काउंट।
अगर हम बात करें ग्रैनुलोसाइट्स की तो उनमें तीन आते हैं, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। एसिनोफिल्स बायलोब न्यूक्लियस के साथ होता है और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलर्जिक एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में। बेसोफिल्स में एस शेप्ड मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होते हैं, ये सिक्रीट करता है हेपारिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, कॉज करता है वस्कुलर डायलेशन और इन्फ्लामेशन। न्यूट्रोफिल्स 2-3 लोब्ड न्यूक्लियस होता है और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फेगोसाइटोसिस और पैथोजेंस में। ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं। लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन बोन मैरो और थाइमस में एक्टिवेशन के अलावा लिम्फ नोड में भी एक्टिवेशन होता है। दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स जो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कराता है और टी लिम्फोसाइट्स जो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कराता है। इसके बाद है मोनोसाइट जो कि लार्जेस्ट WBC है, इसमें किडनी शेप न्यूक्लियस होता है और ये भी न्यूट्रोफिल्स की तरह फेगोसाइटिक होता है। ब्लड में RBC और WBC के अलावा ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। ये ब्लड प्लेटलेट्स हालांकि संख्या में काफ़ी कम हैं और इनका फॉर्मेशन मेगा कैरियोसाइट सेल्स और बोन मैरो से होता है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लड क्लॉटिंग या हीमोस्टेसिस में बाय रिलीज ऑफ फैक्टर प्लेटलेट फैक्टर और थ्रोम्बोप्लास्टीन। ब्लड स्टूपिड, तुम जानना चाह रहे होगे कि ब्लड का फंक्शन क्या है। ये प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन pH, आयोनिक रेगुलेशन, एसिड बेस होम्योस्टेसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, डाइजेस्टिव फूड, एक्सक्रीटरी वेस्ट, इम्यूनिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर, etc. हमेशा याद रखना। ब्लड के बाद नंबर आता है लिम्फ का। लिम्फ जो है वो मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है और मिडिल मैन का काम करता है बिटवीन टीशूज एंड ब्लड। इट मेंटेन्स द ब्लड वॉल्यूम, कीप्स टीशूज मॉइस्ट एंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन बॉडी इम्यूनोलॉजी। लिम्फ कंसिस्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा विद लेसर प्रोटीन्स एंड WBCs। लिम्फ में RBC नहीं होता है या नहीं के बराबर होता है। अब आपके लिए और ब्लड स्टूपिड के लिए कुछ रिविजन क्वेश्चन। ये रहे उसके आंसर्स। थैंक यू सो मच।